For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर ज़ाहिद असगर हूँ। मैं पेशे के एतबार से एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से तालीम हासिल की और अमेरिका से ट्रेनिंग करने के बाद, काफ़ी अर्सा वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ और आजकल मैं लाहौर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ पैथोलॉजी की और लैब का इंचार्ज हूँ। मैं आज आपसे एक बड़े अहम और इंतहाई मूजी मर्ज़ के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान में हमारे आदात की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है मुंह का कैंसर, मुंह का सरतान जिसे उर्दू में कहते हैं, ओरल कैविटी का कैंसर। अब कहेंगे कि होता क्या है, ये कैसे इसका पता चलेगा कि ये कैंसर हो गया हमें, या इसका तदारुक कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में चंद ज़रूरी बातें ये हैं कि मुंह का कैंसर आम तौर पे उन लोगों में होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। उसके अलावा छालिया का इस्तेमाल और पान और गुटखा, जो कराची में ख़ास तौर पर खाया जाता है, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं खाने में। और हमें शौकिया तो हम इस चीज़ को शुरू कर देते हैं, मगर जब ये आदत बन जाए तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जो लोग साल हर साल छालिया मुंह में रख के खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, इरिटेट करते हैं ज़ुबान को और अपनी गाल के अंदर वाली साइड को। इसी तरीके से जो लोग नसवार रखते हैं होंठ को खींच के अंदर, वो जगह की जो म्यूकोज़ा होती है, जो लाइनिंग है मुँह के हमारे अंदर की, वो अल्सरेट हो जाती है। वो अल्सर होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेल्स, जो लाइनिंग सेल्स हैं, उनमें ऐसी तब्दीली आती है कि वो प्री कैंसरस और फिर कैंसरस बन जाते हैं, और ये बन जाता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आम फहम में, आप इसको मुंह का कैंसर कह सकते हैं। लोग अरसा दराज तक इस बीमारी को सहते रहते हैं और ये समझते हैं कि जैसे मुँह में कोई अल्सर हो गया, ज़रा सा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर वक्त के साथ साथ वो बीमारी घटने की बजाय बढ़ती चली जाती है। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की कुछ खसूसियात हैं कि ये मुंह से होने के बाद ये जो नर्व्स हैं हमारी, जो गालों में और ज़ुबान में और इधर, उनके साथ ये जो है केकड़े की तरह अंदर ही अंदर 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 ट्रैवल करता जाता है और खून की नालियों में जाके जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। एक इसकी लिम्फैटिक ड्रेनेज होती है हमारे मुँह में। अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, लिम्फ वेसल्स, जिनके ज़रिए कैंसर के सेल, छोटे छोटे सेल खुलिए टूट के, जो कि आम आँख से नज़र भी नहीं आते, वो उन चैनल्स के लिए जाके और ये जो हमारे गले में गदूद जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, इनमें चले जाते हैं और फिर ये यहाँ से नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे फैलते चले जाते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। वजह इसकी ये है कि इरिटेशन मुंह के अंदर, आप ऐसी चीज़ें जो मुस्तकिल खाते रहते हैं, छालिया, पान, सिगरेट, जिसमें कार्सिनोजन बहुत ज़्यादा होते हैं। सिगरेट एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ आपके मुंह के कैंसर, आपके लंग के कैंसर, दिल की बीमारी, बल्कि पेशाब का जो हमारा मसाना होता है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके कैंसर तक की वजूहात जो हैं वो सिगरेट स्मोकिंग के अंदर शामिल है। बल्कि कोलन कैंसर तक में सिगरेट कैंसर को जो है, सिगरेट को जो है समझा जाता है वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। तो और ये आमतौर पे जो लोग अरसा दराज तक इस्तेमाल करते हैं उनमें ये चीज़ होती है। अब इसका पता कैसे चलता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसको? अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है जो क्रॉनिक है, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, 3 महीने हो गए हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं। आमतौर पे डेंटिस्ट हजरात, क्योंकि मुंह का मुआयना ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो हेड एंड नेक के जो कैंसर है, ओरल कैविटी का जो कैंसर है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उसको बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं, डायग्नोस करते हैं। उनको नज़र आता है, वो जब ग्लव पहन के आपके मुंह में उंगली लगा के फील करते हैं तो उन्हें हार्डनेस महसूस होती है। जो बिनाइन बेज़रर किस्म के अल्सर्स होते हैं उसको वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो हार्ड फर्म कैंसर, और फिर वो गले का मुआयना करने के बाद ये महसूस करते हैं कोई लिम्फ नोड बढ़ी है। अब लिम्फ नोड अगर बढ़ी हुई है गर्दन में, तो उसकी वजह मेटास्टैटिक या वो बुनियादी जो कैंसर मुंह में है उसके यहाँ फैलने की बजाय, और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। मगर अगर मुँह में अल्सर है
और वो लंबे अरसे से है, तो ये गदूद जो आपका बढ़ गया है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्क्वैमस सेल कैंसर की वजह से बढ़ गया है। तो अब इसको डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी किस चिड़िया का नाम है? ये एक छोटा सा पीस, जैसे आप चने की दाल का दाना है, इस साइज़ का टिशू मुंह खोल के सर्जन, ओरल कैविटी हेड एंड नेक सर्जन या डेंटिस्ट इसको फोर्सेप से पकड़ते हैं चिपटी से और इसको स्निप करते हैं आपको थोड़ी सी नमिंग दवाई देके और वो पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं। मैं क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास इस तरह के स्पेसिमेन मुख्तलिफ डॉक्टरों से हर रोज़ तकरीबन आए हुए होते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में ये छालिया और पान का रिवाज बहुत ज़्यादा हद तक है, तो यकीन जानिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ओरल कैविटी कैंसर रिलेटिवली बहुत लो है। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश का ये जो रीजन है, यहाँ ओरल कैविटी यानी मुंह का कैंसर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको पहले बता दी है। उस बायोप्सी की हम स्लाइडें बनाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और फिर डायग्नोसिस देते हैं डॉक्टर को कि जी ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है और ये कितना डीप जा रहा है, इसका सरफेस अल्सरेट हुआ हुआ है और पेरिन्यूरल इन्वेजन है या नहीं है, लिम्फैटिक इन्वेजन है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन जो सर्जन और हेड एंड नेक के सर्जन हैं या जो इस इलाके में सर्जरी करते हैं, उनको ये बातें रिपोर्टें हमारी जो हैं वो समझ आती हैं और फिर उसकी बुनियाद पे वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? हेड एंड नेक कैंसर की ट्रीटमेंट बुनियादी तौर पे है सर्जरी। सर्जरी इस इलाके की एक तो महंगी बड़ी है। आप गवर्नमेंट के अस्पताल चले जाएं तो वहाँ तो लाइनें लगी होंगी, छः छः महीने साल साल तक आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी इतनी कॉमन है। दूसरा, इसमें डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारी लवाजमात इस्तेमाल होती हैं सर्जरी में, तो आम प्राइवेट अस्पतालों में 5 से 10 लाख रुपए आपका ख़र्चा हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सारी अल्सर जिसको आपने इग्नोर किया। दो बातें और इसकी कॉज में मैं बताता चलूँ कि जो लोग डेंचर्स पहनते हैं, जो आर्टिफिशियल जिनके दांत निकाल दिए जाते हैं, डेंचर्स भी बाज़ोकात इरीटेट करते हैं मुँह को, अगर उनमें ज़रा सी भी ख़राश है तो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाके उसको रगड़वाएँ और वो चीज़ जो आपकी मुँह में दर्द या इरीटेशन पैदा करे उस चीज़ को हटवाएँ। और एक और HPV वेस्टर्न वर्ल्ड में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, एक वायरस होता है जो कि यंग लोगों में 30-40 ईयर्स की एज में हेड एंड नेक के कैंसर को एम एस एल कार्सिनोमा की एक बड़ी वजह है HPV। उसके भी टेस्ट अवेलेबल हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब बायोप्सी को देखते हैं तो उसके ख़ास फीचर्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वो हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं। सर्जरी बुनियादी इलाज है। सर्जरी में वो पूरा मुंह खोल के यहाँ से काट के, काफ़ी बाज़ों का डिपेंड करता है, आधा आधा चेहरा काटना पड़ता है, अगर छोटी बीमारी है तो वो अंदर से ही काट के निकाली जा सकती है। उसके अलावा अगर आपकी लिम्फ नोड तक कैंसर चला गया है तो सर्जन एक लिम्फ नोड निकालेगा यहाँ से और वो सर्जरी के दौरान फ्रोज़न सेक्शन करवाता है, पैथोलॉजिस्ट को भेजता है कि मुझे बताओ कि ये लिम्फ नोड जो है इसमें मेटास्टैटिक कैंसर है या ये रिएक्टिव तौर पे यूं ही ज़रा बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन थी, इरिटेशन थी मुंह में। तो वो लिम्फ नोड को हम 10-15 मिनटों में उसकी स्लाइड तैयार करते हैं, एक मशीन पे माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, सर्जन के साथ शेयर करते हैं अपनी फाइंडिंग कि जी ये तो मेटास्टैटिक कैंसर है। उस बुनियाद पे फिर ये गर्दन की सारी, अगर लेफ्ट साइड पे है तो सारी लिम्फ नोड, 50-60 लिम्फ नोड छोटी 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 होती हैं, वो सारी सर्जन को निकालनी पड़ती हैं। और ये सर्जरी छोटी ड्यूरेशन की नहीं होती, ये दिन के 10-11 बजे सर्जन शुरू करता है और रात को 11-12 बजे ख़त्म करता है। ये 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन की सर्जरी होती है क्योंकि बेशुमार नर्व्स होती हैं, बेशुमार ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको बड़ी एहतियात से एक एक करके, बड़ी वो माइक्रोस्कोप लगा के, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप सर्जन को बाज़ोकात देखना पड़ता है और बड़ी एहतियात से सर्जरी होती है।
उसके बाद आपकी शक्ल भी डिसफिगर भी हो सकती है, और अगर सर्जन बहुत अच्छा सर्जन है और उसको आता है सारा अपना काम, जो कि लाहौर में बड़े अच्छे सारे सर्जन इस तरह के अवेलेबल हैं, हमारे भी डॉक्टर्स अस्पताल में भी 3-4 सर्जन हैं जो इस चीज़ के अंदर बड़े माहिर हैं और वो डेली बेसिस पे इस तरह की सर्जरियाँ करते हैं। रेडिएशन के हवाले से सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि उसमें आपको हर रोज़ जाना पड़ता है 5 दिन, और फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 5 दिन, तो 1 महीना जाना पड़ता है रेडिएशन करवाने के लिए, जो कि लाहौर में सिर्फ शौकत खानम और आगा खान में, शौकत खानम और इनमोल में अवेलेबल हैं। और ये लंबी लिस्टें हैं, बेशुमार लोग रेडिएशन के लिए बैठे होते हैं, तो इंतज़ार बड़ा करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको कीमोथेरेपी भी बाज़ औक़ात लेनी पड़ती है, जो एक इंतहाई महंगा इलाज है। तो बराए मेहरबानी भाइयों और बहनों, ये अपनी आदत को थोड़ा सा बदलें। अगर आप पान खाने के आदी हैं तो इसको छोड़ दें, छालियाँ चबानी छोड़ दें, मुंह में नसवार रखनी छोड़ दें, और हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। और मेरी दुआएं आपके साथ।